बैठ कर नहीं होते जब
महीने में तो बैठता है। ठीक है बताइए खाली कर। और हाँ आगे बढ़ रहे हैं सातवां सबक सेवेंथ लेसन सातवां दस के तरफ। इसमें हम नया क्या सीखेंगे इंशाल्लाह आला आला कैसे से आप जरिया या वो इंस्ट्रूमेंट या टूल इसके जरिए से काम हो। ठीक है आला मतलब इसके जरिए से वो टूल या डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जिससे काम हो। चार कर्ज भी काफी हो गया है ताकत आ गया है जैसे गुआ है ना प्याज से लेके रगे ताजा हो गए रगे ताजा हो गए तो फिर उड़ जाएगी मतलब ध्यान दीजिए है ना। बरकत वाला महीना है अल्लाह के नाम से खास मदद आता है इस महीना जितना हम अपने आप सोचे हैं कि नहीं कर नहीं सकेंगे बहुत मुश्किल होगा करना लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे मेहनत करेंगे ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ेंगे कुरान समझेंगे यानी कि अरबी जुबान में मेहनत करेंगे तो अगर आगे एक कदम बढ़ाएंगे बहुत ही बरकत होगा इंशाल्लाह अल्लाह का वादा है खास करके इस महीना रमजान का महीना पकौड़ा का महीना नहीं है। रमजान का महीना सिर्फ रोजा का महीना नहीं है सिर्फ रोजा रखना है रोजा और भी हम महीना में रखते हैं और भी रोज महीना में नफिल रोजा रखा जाता है। रमजान का महीना क्या महीना है रमजान का महीना क्या है किस चीज का महीना है अरे करते हैं बता दें तो इस्मुल आला पहले इसका तारीफ डेफिनेशन लिखिए कहीं पर क्या कहते हैं इसको उर्दू में एक जगह लिख लीजिए। ठीक है इस्मुल आला किसे कहते हैं उस इसम को कहते हैं इस्मुल आला उस इसम को कहते हैं जो दलालत करता है जो दलालत करता है या रहनुमाई करता है या इशारा करता है किस चीज की तरफ जो बताता है क्या बताता है जो दलालत करता है उस पर जिसके जरिए से फेल वाके होता है। फिर रिपीट कर रहे हैं इस्मुल आला उस इसम को कहते हैं जो दलालत करता है उस पर किस पर उस पर जिसके जरिए से फेल वाके होता है। ठीक है ये तारीखों को उर्दू और दलील में ऐसे लिखा हुआ नहीं है उस इसम को कहते हैं जो दलालत करता है उस पर या उस चीज पर जिसके जरिए से फेल वाके होता है मतलब काम जो हो रहा है फेल हो रहा है यानी कि काम हो रहा है किसके जरिए से वो काम हुआ किस चीज के मदद से आपने उस काम को अंजाम दिया क्या चीज के मदद से उस काम को आपने किया। ठीक है आपने खोला दरवाजा खोला किसके जरिए से दरवाजा खोला चाबी के जरिए से। ठीक है उस माने में आपने किसी चीज को पकड़ा किसके जरिए से आपने पकड़ा आप चढ़े ऊपर चढ़े आप किसके मदद से आपको काम हुआ किसके जरिए से काम हुआ आला क्या था तो जरिया क्या था। ठीक है तो उसको कहते हैं क्या इस्मुल आला उसको कहते हैं इस्मुल आला जो बनता है उसका वजन तीन दिख रहा आपको इस वजन से बनता है बुनियादी अर्थ पता आपको फा आइन लाम तो मिफ़ाल
مفعل مفعلا تین وزن اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فعل کے لیے اسی وزن رہے گا ایسا فعل کے لیے وزن نہیں پیٹرن نہیں ہے بس عرب بار جیسا استعمال کیا ہے ویسے ہم لوگ کو اس کو یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بہت یہ وزن تین ہی وزن ہے اب بہت سارا کچھ پھر اس میں جائے کچھ پھر اس میں جائے ٹھیک ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت کچھ ہم لوگ اس نیا نیا لفظ آئے گا اس چیپٹر میں ٹھیک ہے لیکن ٹینشن مت لیجیے یاد کرنا کوئی بات نہیں بس سیکھیے جانی ہے آگے بڑھیے ان شاء اللہ ٹھیک ہے تو بس کانسیپٹ جو چیز ہے وہ جو قاعدہ وہ جان لیجیے کہ اسم العرب بول کے کیا ہوتا ہے ہاں فعل سے مصدر سے نکالا جاتا ہے فعل جو ہے اس سے نکلا ہے اس کے مصدر سے نکلا ہے ہاں اس کا کیا وزن ہوتا ہے اچھا اس وزن پہ ہوتا ہے یہ بھی وزن ہوتا ہے یہ بھی وزن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وزن کو آپ کو جاننا یہ وزن ہے یہ وزن یہ وزن اسی وزن میں بنتا ہے ٹھیک ہے بس کون سا فعل کس وزن میں جائے گا اس کو یاد کرنے کا ضرورت آپ کو نہیں ہے آپ کو آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے تب کوئی ٹینشن مت لیجیے جیسے لکھے ہیں بورڈ میں جاس بھائی بتائیے اس کو لالا کیا ہے کوئی کام ہوا ہے اس کے ذریعے سے جو کام ہوا ہاں تو وہ ذریعہ کیا ہے وہ ہے کیا اسم العرب ہے ٹھیک ہے انیس بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ تعریف تھوڑا سا کہیں کہیں پڑ گئی اب جیسے کہ فعل فتح یفتح مطلب کیا اس کا سبھی جگہ فتح تو مطلب کھولنا اور معنی کر سکتا ہے پتا کیا جیتا لیکن بنیا لغوی معنی اس کا مین کیا ہے کھولنا فتح یفتح کھولنا ٹھیک ہے فتح یفتح کھولنا اب کھولا کس کے ذریعے سے کھولا وہ لفظ اگر بنانا ہے تو کون سا وزن میں آ رہا ہے یہ افعال تو اگر ہم لوگ ڈالتے ہیں اسی لفظ کو بنیادی عرض کیا ڈبل چیز آپ بولیے گا با عین لام فا تا اور ہا ٹھیک ہے اب اس کو اسی وزن میں لائیے کیا بنے گا مفتاحون مفتاحون ٹھیک ہے مفتاحون مطلب کیا ہو گیا جس کے ذریعے سے کھولا گیا مطلب ہو گیا چابی ٹھیک ہے چابی ہو گیا ٹھیک ہے الطاف بھائی اسم العرب اس وزن میں بنا مفعال مفتاحون ٹھیک ہے فتح یفتح مفتاحون مفعالون فا عین لام فا عین لام ٹھیک ہے تین حرف کو بڑھا دیے اس میں مشین نے بڑھا کے مشین سے رزلٹ نکل گیا مفتاح یعنی کہ کی چابی ہم اوپر چونکہ پہلا سبق کا پہلا دوسرا چیپٹر میں پڑھے تھے پہلا میں مفتاح یعنی کہ چابی ٹھیک ہے کیسے بنا اس وزن میں بنا یہ اس کا ویٹ ہے پیٹرن فارم اس فارم سے بنا مفتاح ٹھیک ہے اس کے بعد عبد الماجد بھائی حرث یحرث مطلب کیا حرث یحرث حرث یحرث مطلب نہ بتائیے مطلب کیا کھیتی کرنا کھیتی کرنا مطلب ہل چلانا صحیح پچھلا کلاس کا واقعی تھا زمین کو یہ کرنا کھودنا ٹھیک ہے ہراسا یہ جس کے ذریعے سے یعنی کہ ہل جو ہے جس کے ذریعے سے کام ہوگا وہ کیا کیا مطلب ہے محراس ہوں ہل اصل میں کیا ہوا محراس محراس مطلب ہوتا ہے بلاو مشین جسے
انحراف وہ ذریعہ آلہ ہے اس کے بعد سوال ہے ذکر ہے آپ سے وزانہ یزینو مطلب بتائیے وزانہ یزینو وزانہ یزینو اس نے وزن کیا اس نے ویٹ کیا تولا اب بتائیے کون سا فعل ملاتا ہے کیا یہ صحیح فعل میں ہے یا حرف علت والا فعل اس میں حرف علت ہے کہ نہیں کیا ہے کہاں پر ہے فرسٹ میں اگر حرف علت فرسٹ میں ہو کیا کہلاتا ہے یعنی اس کو کیا کہتے ہیں اس فعل کو مثال فعل مثال اگر کمزوری پہلا حرف ہے ٹھیک ہے اگر اور اس میں ایک اور چیز تھا اگر پہلا حرف یعنی فعل مثال اگر ہو اور واوی ہو پہلا حرف کیا واوی ہو تو مضارع میں واو حذف ہو جائے ہوتا ہونا کہ جگہ یو زینو لیکن دیکھنے کیا ہے یزینو جیسے بہت زیادہ یو جیتو نہیں یجیتو ٹھیک ہے بہت زیادہ یزینو بہت زیادہ یجیتو بہت زیادہ یزینو مانے ویٹ کرنا وزن کرنا تولنا اب تولنے کا ذریعہ آلہ کیا ہے بنائیے اسی وزن میں بٹھائیے بے فعال ہوں وزانا اسی وزن میں بٹھائیے کیا بنے گا نہیں اسی بے فعال ہوں بٹھائیے کیا ہو کیا ہوگا کیا میو میو ہو رہا ہے نا یہ ہو رہا ہے میو یہ ہو رہا ہے میو زان اور عربی کا قاعدہ ہوتا ہے یو آواز عربی میں نہیں نکلتا ہے تو واو کیا بن جائے گا یا بن جائے گا تو کیا کہنا ہے پھر یہ لفظ میزان ٹھیک ہے میزان کہاں سے آ رہا ہے وزن یزینو سے کیا ہے میزان اسم الاعلی میزان ذریعہ آلہ انسٹرومنٹ وزن کرنے ہاں فیل سے نکل رہا ہے اصل میں کہتے ہیں مصدر فیل ہو گیا وزن وزن مصدر ہے وزن اس سے نکلا مصدر اس کا مصدر ہے وزن اس کا مصدر ہے فتح کن اس سے نکلا فیل سے نکلا تو بات تو یہ واو کیا ہو گیا چینج ہو گیا اس میں یا ٹھیک ہے وہ کیا کہ میزان میزان ہوں میزان ہوں ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب انرجی لگ رہا ہے نا برکت دے ہم لوگ اگر ہم لوگ گاہ سے آدھا قرآن اور بھی سمجھ پائے بفعل دوسرا سیگا اسے کرنے یہاں پر فتح یفتہ حرف یحروف وزن یزین تین باب آ گیا تینوں باب مفعال مضم لے رہا ہے کیونکہ فکس نہیں اس باب کے لیے یہ وزن ایسا کچھ نہیں سب سمائی سنا سنایا اور لوگ جیسا بولا ویسے ہی مان کے دیتا ہے اب آگا یا مطلب کیا قبض کرنا پکڑنا کب ہوگا یا بفعل ٹھیک ہے سنو بتائیے کیا ہوگا اس وزن کیا ہوگا وزن کیا لیجیے وزن کیا بفعل پکڑنے کا ذریعہ پکڑنے کا ذریعہ اب آتا ہے پکڑنے کا ذریعہ ٹھیک ہے مطلب کہ دروازہ کا جو یہ ہوتا ہے نا نوک پکڑا جاتا ہے پکڑا ہمیں کم قبض کیا پکڑا اس کو جو کوئی دروازہ تھا پکڑ لیں کسی کے ذریعے سے ہم پکڑ لیں دروازہ تو کیا ڈور کا دروازہ کا نکلا رہتا ہے نا کیا کنڈی ہے کیا بولے
तो उसको उसको पकड़ के हम दरवाजा को क्या करते हैं, दरवाजा ही ठीक है, तो वो हो जाएगा मिट पर क्या लगे एक प्रॉब्लम। अगर कोई चीज़ को पकड़ पकड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ कुंडी या कुछ भी निकला और उसको पकड़ा, उसके जरिए से कोई सामान को पकड़ा, तो क्या बोलिए मिट पर ठीक है। उसके बाद देखिए सईदा यस अदू, इस सवाल कहते हैं ना सईदा यस अदू, मतलब क्या है चढ़ना, सईदा यस अदू चढ़ना। अब चढ़ने का जरिया किससे चढ़ा जाए क्या होगा मिस अदू, मिस अदू मिस अदू चढ़ने का जरिया, यानी कि लिफ्ट। अरब में लिफ्ट के लिए इस्तेमाल क्या होता है लफ्ज लिफ्ट, क्योंकि सीढ़ी में आप चढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है ऊपर उठ रहे उठना मतलब क्या है कहानी, लुगुई माने क्या है काटना काट देना, कस्सा या कुसू का लुगुई माने क्या है काट देना, कस्सा या कुसू सुनाना कहानी सुनाने का ये माने है, डिटेल में सुनाना है काट काट के एक चीज को ठीक है, कस्सा या कुसू काटना ठीक है। अब ये कैसे बने क्या होगा मिक्स ससुन बहुत अच्छा मिक्स ससुन ठीक है, लेकिन आप दो हर एक साथ क्या करेंगे उसको इंतजाम कर देंगे सुकून कर देंगे, कैसे करेंगे ये इधर चले जाएगा इधर आ जाएगा ठीक है, तो क्या होगा फिर चेंज कर देंगे ये चला गया इधर इंतजाम करेंगे क्या करेंगे इसको हम सुकून कर देंगे तो क्या करेंगे क्या पढ़ा जाएगा सुन। मैं कैची के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है क्या हुआ लफ्ज कैसे आया वो बताया जा रहा है, मैथमेटिक्स में कैसे काट काट के लाते हैं लोग के पास कहां लफ्ज दे रहा है हम लोग के पास लफ्ज सिर्फ ये रहेगा मिक्स सुन, लेकिन आया कैसे मिक्सस ठीक है मिक्स सुन ऐसा है बस सही है कुछ तो मिक्स सुन आता हो गया कैची सीजर कैची काटने का जरिया ठीक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ कटिंग आरी का अलग है आरी का वो हाँ उसका अलग है मिक्स सुन यहाँ ये तीसरा वजन क्या है मिफ़अलतुन ठीक है इमरान भाई साहब बोलिए क्या कह रहे हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन मतलब काम हुआ इसके जरिए से हुआ कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा टूल है जिससे काम हुआ वो है रेड वाला उसका वजन है बनाने का ठीक है कहना सा है सुमाने बताइए
कनासा यक्नुसु कनासा यक्नुसु बता भाई माने वाले कनासा यक्नुसु झाड़ू झाड़ू देना कनासा यक्नुसु झाड़ू देना बनाइए झाड़ू देने का जरिया नहीं कि झाड़ू को क्या बोलेंगे अभी बनाइए ये वजन है कढ़ाई फा ऐन लाम कनासा क्या होगा मी ना मी ना सा ठीक है इन्हों ना चुका पहले है ना मी ना सा तो झाड़ू जिसके जरिए से झाड़ू दिया गया आपने झाड़ू सफाई किया है डस्ट किया है मी ना सा तो मतलब ये झाड़ू मी ना सा इसका बाकी रह गया इससे क्या बनेगा वर्ड इस वजन में डालेंगे तो मिल आकातुन मिल आकातुन क्या है मिल आकातुन मिल आकातुन लफ्ज किया मिल आकातुन लाइका यल हकु क्या है मिल आका है तो मैं चाटना लाइका माया चाटना चाटना चाटने का जरिया क्या आप कोई चीज है आप जवान तक नहीं पहुंच सक रहा चाटना उसको है तो चम्मच चम्मच चाटने का जरिया आला चाटने का आला लाइका टेस्ट कर चाटना उसको लिख करना चाटना लाइका यल हकु क्या बनेगा इसे मिल आका तू तीसरा अला यकली और इधर ये नाकिस फेल है समझना ये चौथा मुकद्दरा है अला या यकली यू था क्या था अला या यकली यू बाप दरा बदरा बैठ ली तू अला यकली यू इतनी आसानी के लिए अला यकली मतलब क्या कला का लुमी माने है कि नफरत करना हेट करना नफरत करना कला या कली इसका लुमी माने है इसे नफरत करते क्या क्या होते उसको आप जो है आपके सामने से दूर हो जाए हटा दीजिए हटा देना इसको उसको मारना चाहते हैं आप पीटना चाहते हैं ठीक है तो आज किस माने में इस्तेमाल होता है लफ्ज भूनना फ्राई करना कला माने भून फ्राई करना कला यकली मतलब क्या यार भाई फ्राई करना भूनना 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 फ्राई तलना तलना सही तलना तलना कला यकली माने तलना फ्राई करना ठीक है अब इससे जो है हमारे में क्या बनेगा कला यकीन से तो बनेगा मीक लाया तो मीक ध्यान दीजिए बोर्ड में क्योंकि बुनियादी हर्फ क्या है काफ लाम और या तो मीक ला मीक ला या तो जब या पर या कमजोर हर्फ पर क्या हरकत होता है तो उसको हटाने का हटाने का कोशिश किया जाता है जब कमजोर हर्फ यानी कि वाव या पर क्या हरकत हो तो उसको हटाने का कोशिश किया जाता है किसको हरकत को ठीक है या पूरा पूरी हर्फ को मतलब हर्फ को हटाने की कोशिश किया गया क्या होगा मिक ला या तुन ओरिजिनल क्या हो गया मिक ला या तुन चेंज क्या होगा या के पहले वाला हर्फ क्या है लाम लाम पर क्या है पता है तो हम क्या करेंगे या को अलिफ कर देंगे ठीक है क्या तरीका है अगर इसको जान सकते जानिए नहीं जानते तो कोई बात नहीं तरीका क्या और अगर जानिएगा तो बहुत फायदा होगा समझने का निकला या तुम अगर कोई कमजोर हर्फ पर वाव या इसके उसके पहले वाले हर्फ पर अगर अलिफ हो अगर ये कमजोर हर्फ है ठीक है मतलब तो उस पर हरकत है ये कमजोर हर्फ पर क्या हरकत है और उसके पहले वाले हर्फ में अगर क्या हो पता हो तो ये क्या हो जाएगा अलिफ हो जाएगा
फिर यही क्या हो जाएगा, अली हो जाएगा। तो यहाँ क्या को कर दिया गया, हाँ तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम अलिफ कर देंगे। क्या पढ़ा जाएगा, ये निकला तुल चेंज हो गया, हो गया पढ़ाई पढ़ाई निकला तुल चेंज हो गया, ये निकला तुल पढ़ाई निकला तुल। ऐसा एक और लफ्ज़ देखिए, कवा यकवी मतलब क्या होता है, कला यकली फ्राई करना, कवा यकवी इस्त्री करना, कवा यकवी क्या होगा, निक हुआ या तो निक हुआ या, यहाँ पर दो एक हर्फ एक साथ, दो कमजोर हर्फ क्या है, ऐसा दोनों को हटा, दोनों को तो हटा नहीं सकते हम, निक हुआ या तो या को क्या करेंगे, या पर हर पता है उसके पहले वाव है, वाव पर क्या है, फिर हुआ पता है तो या को वही कर देंगे, अरे निक हुआ तो कढ़ाई स्त्री। किताब ब्रेक अगर लेना, एक मिनट पानी नहीं पीना, पी लीजिए। पानी पीना एक दो मिनट पी लीजिए, उसको सोना है, दो मिनट सो सकते हैं। ऐसी गोल गोल के पूरा एकदम मस्ट नंबर दो पढ़िएगा, सफा नंबर 65 ए, तुम जाओ इधर, जाओ जाओ उधर, बैठ जाओ बच्चों की कहानी बोलिए। 65 नंबर फर्स्ट नंबर दो क्या लिखा हुआ है, कली मर्दु मिफ्ता, ये जो मिफ्ता उन लफ्ज है, मिफ्ता उन लफ्ज के बारे में बताया गया है, माफूजतुन, माफूजतुन मतलब जिसको अखज किया जाता है, निकाला गया है, कली मर्दु मिफ्ता उन ये लफ्ज है, उसको निकाला गया महफूज अतुल कहाँ से, कलिमत मिफ्ताह निकाला गया महफूज अतुल मिन मस्दरी फतह यफ्ताहु के मस्दर से, मस्दर पता आपको ठीक है, फतह यफ्ताहु फतह मतलब क्या, उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, अब खली खोलना क्या होगा, फतहुन फतह यक्तुलु कतल करना ठीक है, फतह उसने कतल किया, यक्तुलु कतल करता है, कत्लुन मस्दर कहा जा रहा है, मस्दर से असल में निकलता है, आप लोग फेल से समझ जा रहे हैं, ये मस्दर है, पस हम बोलते हर सुन इसमें वज़न उससे निकलता है, मीज़ान मीज़ान ठीक है, ये मस्दर मतलब क्या होता है, मस्दर फेल का मस्दर में आपको फेल का तीनों हरूफ मिल जाए, फेल का मस्दर में जो फेल का बुनियादी हरूफ है वो आपको मिल जाता है, इसीलिए मस्दर कहा गया था ठीक है। कलिमातु मिफ्ताहिन माखूज़तुन निकाला गया है मिन मस्दरी, मिन मस्दर कौन से, किसके मस्दर से, फतह यफ्ताहु किस चीज के लिए निकाला गया है, लिदलालती टू पॉइंट आउट, दलालत दलालत करने के लिए, किस पर दलालत करने के लिए, अला आलती फतही
आला आलतिल फतिल, खोलने के आले पर दलालत करने के लिए, मतलब खोलने का जरिया जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर दलालत करने के लिए निकाला गया है। कौन सा लफ्ज़? मिफ्ताह। और तुसम्मा, तुसम्मा मतलब और उसको नाम दिया जाता है, और या फिर उसको नाम दिया और उसको पुकारा जाता है, या क्या पुकारा है, क्या नाम दिया जाता है? इस्मा, इस्मुल आला, ठीक है, या मफ़ऊल भी इसे इस्मा पढ़ा जाता है, इस्मुल आला उसको का नाम दिया गया है, इस्मुल आला, ठीक है। अब नीचे इस्मुल आला का तारीफ आ रहा है, जो बोर्ड में लिखा है, मतलब आपको जो लिखा है उर्दू, इस्मुल आलाती, इस्मुल आला जो है वो क्या है? इस्मुल मसूगुन, इस्मुल मसूग माने बनाया हुआ, सीगा के हिसाब से बनाया हुआ, क्या कहते हैं लफ्ज़ मसूग, इस्मुल मसूगुन बनाया हुआ ऐसे में किससे? मिदल फेल सुलासी, सुलासी फेल से माने तीन हरफ वाले फेल से बनाया हुआ है, दलालती, दलालत करने के लिए, किस पर? अला मा, मा माने अल्लज़ी, अला मा किस पर? मा अल्लज़ी उस पर, मा अल्लज़ी के माने अल्लज़ी, अल्लज़ी उस पर, किस पर? मा वक़अ अल फ़िलु, फ़िल वाक़े हुआ, बिवासितती, फ़िल वाक़े हुआ, वासिता माने जरिया, ठीक है, जरिए से, उसके जरिए से। अब पूरा देखिए तर्जुमा कैसे बन रहा है इसका, दलालत करती है उस पर, अलामा, हाँ उस पर, उसके बाद क्या? उस पर वक़अल फ़िल वाक़े हुआ उसके जरिए से। अगर हम सब जुमला हटा दें यहाँ से, ध्यान दिए तर्जुमा करने में कैसे तर्जुमा किया जाएगा उस पर ध्यान दीजिए, तर्जुमा कैसे किया जाएगा उसको उस पर ध्यान दीजिए, बताया आपको, सब हटा दीजिए यहाँ पर, सिर्फ पढ़िए वक़अ, वाक़े होना, क्या वाक़े हुआ? अल-फ़िल, फ़िल वाक़े हुआ, ठीक है, वासितत, वासिततुम जरिया, वासितातु हु उसके जरिए, वासितातु के पहले भी आ गया, भी वासितति ही उसके जरिए से, वक अल फेल, फेल वाक्य हुआ उसके जरिए से, अब उसके जरिए से फेल वाक्य हुआ पहले किया माँ है, माँ मतलब वो अला है उसके पहले, अला माँ उस पर, ठीक है, जिसके जरिए से फेल वाक्य हुआ, उसके जरिए से अपनी करेंगे तो करेंगे जिसके जरिए, ठीक है, माँ और उस लास्ट वाला लफ्ज उसको मिला कर, ठीक है, अला माँ वाकाल फेलू की वासी तभी जिसके जरिए से फेल वाक्य हुआ, ठीक है, जो आपको उर्दू में लिखा है ना वही है, ठीक है। नीचे लिस्मिल आलती, लिस्मिल ली माने के, इस्मुल आला के कितने वजन है? सलासतु औज़ानी, तीन वजन है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर औज़ानु इस्मिल आला, ये भी बोल लेते हैं औज़ानु इस्मिल आला, इस्मिल आला का कितना? तीन वजन है, मिफ़ालुन मिफ़ालुन मिफ़ालतुन, इज़ाल दिया हुआ है, मिफ़्ताहुन मिबरतुन मिकनसतुन। नीचे आइए, बनाना है सुख माने बनाइए, मिनल अफ़ाल लाती, नीचे जो इसे मारा अफ़ाल उसके बनाइए, क्या बने? अस्माल आला, इस्मुल आला बनाइए, अला वज़्न मिफ़ालुन, पहला जो वज़न है ना उस पर क्या करना है आपको? इस्मुल आला बनाना है, पहला क्या? फ़तह यफ़तहु मिफ़्ताहुन हो चुका है, नशरा यनशुरु एनी वाइज, नशरा यनशुरु मिन शारुन माने मिन शारुन का नशरा यनशुरु फैलान बिखेरना, ठीक है। अब हम लोग इतना समझ में आए अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा ये जरिया है, माने पता है लेकिन जरिया है, वजन देख समझ नाम आ जाएगा क्या? इसके जरिए से काम होगा, आला भले माने पता नहीं हमको, ये हो ऐसा बहुत सारा लफ्ज आपको अरबी में मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा ये काम करने वाला है, अच्छा इस पर काम हो रहा है, जरिया बता दो, लेकिन माने क्या है लुगत खोल के देख लें, कितना समझ में आ जाएगा, अच्छा ये फायदा है, ये मकबूल भी है, ठीक है, ये फायदा होगा सीखने का, अच्छा बस लुगत का कमी रहेगा, एक बार दो बार देखिए याद हो जाएगा, अच्छा ऐसे करते करते हर दिन कुरान फहमी में इजाफा होता रहेगा हर दिन इंशाल्लाह। इसके बाद के हर असर हर रुसू कर चुके हैं, मेहराज हल, तीसरा जलाजा यज़लिजू, जलाजा यज़लिजू का मान इससे क्या बनेगा? विज़लाजू, इसका माने क्या है? तेजी से चलना, तेजी से चलना, ठीक है, या माने स्लिप करना भी हो सकता है, स्लिप करना,
ठीक है, मिजलाज मैंने स्लिप करने का जरिया, मिजलाज। नीचे क्या है, कासा यकीसु, कासा यकीसु, क्या बनेगा इससे, ये कासा में आप देखिए, कासा जो लफ्ज है उसमें अजवा फेल है, क्या फेल है, अजवा, कासा यकीसु, ठीक है। लेकिन मुदारे में क्या है, अजवा फेल आपको पता है कि मुदारे में अपना जो हर्फ इल्लत जाहिर कर देता है, आला यकूल अलिफ का क्या बन गया, वाव बन गया, यकूल। वैसे कासा यकीस मतलब अलिफ असल में क्या है, या है, ठीक है। का यासा बुनियादी हर्फ, का यासा, अब उससे बनाना आपको मिफाल के वजन में क्या बनेगा, मिक्यासुन, मिक्यासुन, ठीक है। माने क्या है, कासा यकीसु का माने क्या है, मापना, क्यास लफ्ज पता है, क्यास, क्यास करना, कासा यकीसु, कंपेयर करना, मिलाना कोई चीज को किसी से, ठीक है, क्यास। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करना इस माने में, कासा यकीस। उसके बाद क्या, काल काला यकीलू, काला यकीलू, इसका मतलब क्या है, मापना, काला यकीलू मापना, ये असल मापने की मिसाल हिसाब था, मापना माने क्या, वेट करने, मापना मीटर से, टेप से, इस माने, ठीक है, या लीटर, ठीक है, लीटर, इतना लीटर, इतना मिली लीटर है, मापना, वेट करना है। काला यकीन क्या बनेगा इससे, सुनो भाई, निकियाल, निकियाल मापने का जरिया, मेजरमेंट, ठीक है, मापना है, उसका जो डिवाइस है, आला है, जरिया है, वो होगा निकियाल। ये कुरान में है लफ्ज। उसके बाद क्या, वजाना यजीनु, मीजान, उसके बगल में देखिए बाएं तरफ क्या है, अस्तु, इसका असल क्या है, मीजान, चेंज हो गया, क्या हो गया, मीजान, मीजान तौलना, ठीक है, जनफकार भाई, तौलना, मीजान, मीजान, पेज पलटाइए, चार नंबर में सेम करना है, आप क्या वजन है, बेफाल, बेफाल, ठीक है, सवाल आपसे बगैर भाई, बरादा या बरूदू, सफा नंबर कितना है, 66, बरादा या बरूदू मतलब क्या है, ठंडा होना, ठंडा आप भी हो जाइए, ठंडा होना, बरादा या बरूदू, या ठंडा करना, बरादा या बरूदू क्या बनेगा इसमें, बिबरादुन, बिबरादुन ठंडा करने का जरिया, एसी, एयर कंडीशनर, क्या क्या आ जा सकता है, ठीक है, मिबरादुन, बरादा यब्रुदू के कौन माने क्या, लेटर भेजना, पोस्ट करना, ये माने, ठीक है, बरादा यब्रुदू। दूसरा हलावा यहलुबू, बतावा या हलावा यहलुबू मतलब क्या है, हलवा यहलुबु, दूध निकालना, क्या बोलेंगे, दूध जो ना, दूध निकालना, गाय का, हाँ, हलवा यहलुबु, हल, हलवा यहलुबु, ठीक है, महलब, इससे दूध बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, बिल्क किया जाता है, हलवा या महलबुन, महलबुन। तीसरा सवेदा यस पदु बता चुके हैं, मिसअदुन, प्रथम कबादा एक भी तो बता चुके हैं, मिकबदुन, कादा यकूदु, कादा यकूदु, कवादा, कवादा, कवादा बने, माने क्या इसका, ड्राइविंग करना, या फिर पुराना आदमी में क्या माने होगा, अब जानवर है तो भगाना है, क्या बोलेंगे इसको, हकाना, ठीक है, ये माने, आजकल किससे गाड़ी किससे भगाते हैं, स्टीयरिंग व्हील से, इससे लफ्ज बनेगा, कादा यकूदु, क्या लफ्ज बनेगा,
मिकवाजून मतलब क्या है? ड्राइविंग व्हील नहीं, इसके जरिए से ड्राइव कर रहे आप, पका रहे गाड़ी को, ठीक है? स्टीयरिंग व्हील मिकवाजून उसके बाद कस या मिकसून उसके बाद क्या हक्का यहुक्कु हक्का यहुक्कु मतलब क्या होता है? तराशना, ठीक है? तो ये करना स्क्रैच करना स्क्रैच करने के माने रफ करना या स्क्रैच करना इस माने हक्का यहुक्कु मिहक्कुन जरिया हो गया। तीसरा ये तीसरा क्या होता है बनेगा मिफ हवालतुन मिफ हवालतुन ठीक है। पहला क्या है कर्ण आशा एक नुसु हो चुका है मिक करा लतुन जिंदा है ना आप लोग सोए नहीं है ना यही का ये लपुम हो चुका है मिल आकतुन। तीसरा फराका यतरुकु अतर भाई मतलब क्या है फराका यतरुकु का ठीक है तरका नहीं क्या है फराका यतरुकु मतलब इसका मतलब क्या है? परा का यतु खटखटाना नॉक करना परा का यतु। अब जिसके जरिए से नॉक किया जाएगा वो क्या होगा? मित्रा खातून मित्रा खातून। चौथा सतारा यस्तुरु सतारा यस्तुरु लाइन बनाना या लाइन लगाना। अब जिसके जरिए से लाइन लगाया जाए यानी कि स्केल को क्या कहेंगे? निस्तरातुन। ये एवी का भाषा क्या है? स्केल, जिसके जरिए से हम लाइन टांगते हैं निस्तरातुन स्केल। उसके बाद साबिर ने जा आसारा या आसिरु आइन सादरा आसारा या आसिरु मतलब क्या है? जाज भाई आसारा या आसिरु मतलब आसारा या आसिरु अब्दुल वाजिद भाई आसारा या आसिरु जो जवाब देगा प्राइस उसको उसको मिलेगा। उसने बहुत पूछा आसारा या आसिरु कौन में देगा भाई आसर सुर ऐसा जो है वल आसिर वही लग से आसारा या आसिरु जमाना नहीं फेल जमाना के इस्तेमाल होता है अस्त्र ठीक है लेकिन इसका लुगवी माने क्या है फेल बहुत सारा या हासिल वक्त गुजारा बनता है वो बनता बहुत सारा या हासिल बने जूस को क्या बोलते हैं अरबी में जूस क्या जूस जूस असीर असीर अब बताइए क्या माने हो बहुत सारा या हासिल होगा जूस निकालना निचोड़ना निचोड़ना आसार या आसीर माने निचोड़ना स्क्वीज प्रेस करना फिर आसीर बन जाता है मतलब निकाला मतलब निचोड़ने हाँ ठीक है आसार या आसीर निकाल निचोड़ना निचोड़ने का जरिया क्या है इससे निचोड़ा जाए ठीक है जिससे इसको पूरा रस निकाल दिया जाए क्या होगा मिस आरतुन मिस आरतुन मिस आरतुन मतलब इससे क्या निकलता है कि जमाना खत्म हो रहा है आखिरी वक्त आ रहा है इंसान घाटे में है मतलब बहुत सारा मायने निकल सकता है इसका तफसीर में आप लोग पढ़े होंगे मेरे वक्त गुजरने वाला है अगर आप तफसीर पढ़े तो मिलेगा एक वाकया दिया रहता है बर्फ का दुकानदार बर्फ बेचता है जब सुबह जब माल लगाता है तो बर्फ बहुत रहता है रेट ज्यादा रहता है जब आखिरी वक्त हो रहा है शाम हो उतर रहता है तो उसके बाद में बर्फ क्या हो रहा है खत्म हो रहा है निकल में पिघल जा रहा है तो रेट क्या करना पड़ता है तो कम करना पड़ता है माल खत्म हो रहा है वक्त खत्म हो रहा है जमाना आस्ते आस्ते क्या बढ़ रहा है आखिर क्यामत की तरफ ये सब माने दोस्त लेंगे एक किलो ले लीजिएगा। उसके बाद क्या गरफा या गरीफू गरफा या गरीफू इसका मतलब क्या है गरफा या गरीफू
इसका मतलब है कोई चीज को उठा करके कहीं पर डालना उड़ेलना, इस चीज को उठाना और कहीं पर डालना, माने कि सब्जी निकालते हैं चम्मच तो कुछ और है, सब्जी अगर निकालना है निकाल के कहाँ पर डालना है, प्लेट में डालना है, जिससे वो काम किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, बनाइए से लफ्ज मे गराफतुन, क्या है मे गराफतुन, गराफा एक रुको मतलब निकालना, इस चीज को निकालना कहीं और डालने के लिए वो है गराफा या गुरु, ठीक है। इसके बाद कला एक्चुअली बता चुके हैं हम, चम्मच क्या बड़ा चम्मच जिससे खाना निकालना है, फुल हां 9 बजे तक रहने दो, गम की वाला या भी आधा किलो कीमत आधा किलो कैसे फोन में बता दीजिए, फोन में समझता होने बता दीजिए अला यकली मिकलातुन ओरिजिनल क्या इसका मिकलायातुन बता दोगे चम्मच, ठीक है मिकलातुन चेंज हो गया मिकलातुन में तीस। उसके बाद क्या महा यमहू, महा यमहू क्या बन रहा है इससे मिमहावातुन चेंज हो गया, हो गया मिमहातुन मतलब मिटाना, मिटाना महा माने मिटा देना, मिमहात का मतलब क्या हो जाएगा मिटाने के लिए माने रबर इरेजर मिटाने का, तुम मिमहात कहते हैं अरबी में किसको इरेजर को रबर को मिमहातुन। इसके बाद कवा या कोई पता को मिकवातुन, जैसे ये बरा ये बरी निबरा निबरा क्या हो रहा है बरा या बरी निबरा युन बरा यबरी निबरायतुन क्या होगा निबरायतुन निबरातुन बन गया, निबरायतुन से हो गया निबरातुन, माने इसका माने शार्पनर, निबरातुन मतलब क्या शार्पनर माने वही तराशने का माने में छिलना, ठीक है छिलना, निबरातुन अरब वाले इस्तेमाल करते शार्पनर के माने, ठीक है रबड़ भी आ गया शार्पनर भी आ गया। इसके बाद सफा यस्फू मिसफातुन ओरिजिनल मिसफा सफा माने साफ करना, साफ साफ लफ्ज साफ करना साफ सफाई इसका फेल है सफा यस्फू। इसके बाद पेज पलटा ये क्या है उस तरफ रायर ये रायरा क्या होगा इसका रायरा क्या उसको पूरा होगा ये लफ्ज रायरा मतलब देखना ठीक है बुनियादी हर्फ रा हमजा या इसको देखिए ध्यान से अल्फाबे जुल्फार में देख रहे हैं रा एरा माने देखना वजन क्या है मिफ आला क्या बनेगा मिफ मेर मेर आ या तू तो मेर आ या या पर क्या है हरकत उसको चेंज किया जाएगा उसके पहले क्या है हरकत उसके पहले क्या है पता है उसको क्या करेंगे हम अलिफ कर देंगे ठीक है इसको अलिफ कर दिया अब क्या बनेगा मिर आतुन बताओ क्या मिर आतुन ये होंगे क्या हो जाएगा ये अब ये ला देंगे कसरा हो मेर आदमी मतलब बोले मीम में कसरा होता है कसरा होते वो भी आ गया उधर भी आगे बार बार तुम होगा हाँ आगे मीम में ना होगा मेर आत और मतलब देखने का आयना मेर आत देखना देखने का जरिया मेर आत और मेर आया तुम तो हो गया मेर आत और लास्ट क्या है रफिया यरका इसका मतलब भी चढ़ना है रफिया यरका मतलब चढ़ना है क्या बनेगा इससे मिरकातुन मिरकायतुन मिरकातुन मतलब सीढ़ी चढ़ते हैं ना सीढ़ी सीढ़ी चढ़ सीढ़ी में क्या अलग अलग क्यों होता है ना स्टेप होता है ऐसे भी करते सीढ़ी
मेंबर में कितना तीन जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी में एक दो तीन, एक एक को क्या बोलते हैं मिरकात, या यरका मिरकात। ठीक है, मिरकात हदीस में नीचे आ रहा है। चल चलेगा क्या, चाय वाय चलना है क्या? ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा टाइम नहीं है, ब्रेक दिया हुआ है, ब्रेक देना संभव है। तो ब्रेक लेता ना, 12 मिनट का ब्रेक है, सिर्फ 12 मिनट। तो ब्रेक है, तुम ज्यादा नहीं है, 12 मिनट ब्रेक है, सिर्फ 50 मिनट क्लास होगा। नहीं गुजारा दे दीजिए कुशवा जी, 12 मिनट ब्रेक, 8:54 तक खत्म हो जाएगा, 8:55 तक। हां जी, बाबू ने किया खत्म करो, थोड़ा नहीं बाबू ने किया दे मोहम्मद किया मोहम्मद। मोहम्मद मिलेगा, बता दीजिए।